हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक इतनी अजीम जगह जिसकी हैसियत फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, और उस जगह का नाम है बॉम्बे टाकीज। अब मैं इस बॉम्बे टाकीज के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले इसकी हालत दिखाऊंगा कि इसकी हालत क्या हो गई है, और इस बॉम्बे टाकीज की इतनी वैल्यू क्यों है इसके बारे में भी मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये है बॉम्बे टाकीज, ये मलाड वेस्ट में है। जब ये बना था बॉम्बे टाकीज, ये 1930 की दहाई की बात है जब ये बना था, और ये उस वक्त शहर के एकदम बाहर हुआ करता था, और अब शहर के ऑलमोस्ट बीच में है, और इसके आसपास ही एशिया के दो सबसे बड़े मॉल हैं मलाड वेस्ट में। और देखिए, इसको इस तरह की चादरों से लगा के ताला बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर अब जाना भी अलाउड नहीं है। और ये देखिए, किसी वक्त में क्या अजीम शान इमारत रही होगी ये। और इसके बारे में बताऊँ कि यही वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार श्री अशोक कुमार जी ने अपना करियर शुरू किया था, और श्री दिलीप कुमार अभिनय सम्राट को भी इसी प्रोडक्शन हाउस ने, इसी स्टूडियो ने ब्रेक दिया था। इसकी इमारतें थी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हिमांशु राय जी की पत्नी देविका रानी जी, उन्होंने दिलीप कुमार को ब्रेक दिया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह की इतनी अहमियत क्यों है, क्यों इसे तीर्थ की तरह जाना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो मौका दिया था इस प्रोडक्शन हाउस ने लेजेंड दिलीप कुमार। और ये देखिए, थोड़ी जगह खुली हुई है तो मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, मुझे जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको जाकर भी दिखाता अंदर। देखिए, एक ज़माने में क्या रही होगी ये इमारत, और अब इसकी क्या हालत हो गई है। देखिए, जैसे पुराने किलों की हालत हो चुकी है हिंदुस्तान में, उसी तरह से इसकी हालत लग रही है। और ये देखिए, एक ज़माने में क्या शान व शौकत रही होगी इस इमारत की। मैं चोरी से ये छुप के यहाँ से एंटर करके ये बना रहा हूँ, हालांकि ये बनाना अलाउड नहीं है। देखिए, मुझे इस जगह को देखकर रश्क आ रहा है कि देखिए, किसी ज़माने में दिलीप कुमार और अशोक कुमार साहब जैसे स्टार्स यहाँ आते थे, और उन्हें मंथली तनख्वाह पर एक्टिंग करवाई जाती थी फिल्मों में। और ये देखिए, बड़ी कमाल की जगह, इतनी खूबसूरत, और आप देख सकते हैं ये पत्थरों से बनी हुई इमारत, ये क्या कमाल रही होगी अपने वक्त में। और लेकिन आज ये जर्जर है एकदम, इसके अंदर पेड़ उगाए हैं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप देखें, और देखिए इसकी ये हालत हो चुकी है। इससे मालूम पड़ता है कि कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, कि ये ऐसी इमारत है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को मौका मिला है, वहाँ यहाँ पर उन्होंने नौकरी की है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब ने यहाँ पर नौकरी की है, फिल्मों में काम किया है, और ये 1930 की दहाई में शुरू किया था देविका रानी जी ने, उन्होंने दिलीप साहब को ब्रेक दिया था, और 1950 की दहाई में इसे बंद करना पड़ा। हालांकि अशोक कुमार जी ने बड़ी कोशिश की इस प्रोडक्शन हाउस को चलाते रहने की, लेकिन ये मुमकिन हो नहीं पाया, लगातार फिल्म स्टॉप होती रही, और मजबूरन अशोक कुमार जी को भी अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, क्योंकि इतना लॉस वो भी नहीं सह सकते थे, इसके लिए ये प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया। और ये देखिए, अब इसकी क्या हालत हो गई, एक तरह से इसको मैं तो ये मांग करता हूँ कि इसको हिंदुस्तान की धरोहर और फिल्म इंडस्ट्री की धरोहर की तरह इसको सजोना चाहिए, इसका म्यूज़ियम जैसा कुछ बनाना चाहिए था, लेकिन देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है। इसके चारों तरफ दिखाऊँ मैं आपको, इस तरह के कारखाने हैं, काम चल रहे हैं, बड़ी गंदगी है आस पास। और ये देखिए, यहाँ पे बड़ी संकरी गलियाँ हैं, बड़े ख़राब रास्ते, एकदम ये बंजर, एकदम खंडर सा हो गया है। देखें इस तरफ से ये, और इसको इस तरह से मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो मैं तो ये चाहूँगा फिल्म इंडस्ट्री वाले कुछ लोग देखें इसको, और मैं भी अपनी सिंटा की एसोसिएशन की जब मीटिंग होगी वहाँ पर ये बात उठाऊँगा कि बॉम्बे टाकीज के बारे में हमें, हमारी एसोसिएशन को कुछ सोचना चाहिए, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करें कि इस धरोहर को संजोए, क्योंकि ये इससे हमारे बड़े इमोशंस जुड़े हैं। और चूँकि दिलीप साहब का मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहम योगदान रहा है, उन्होंने चंद अल्फाज कहे थे मेरे लिए जो आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ, और उनकी शायद उन्हीं के कहने की वजह है
जी मैं आज कैमरा के सामने काम कर रहा हूँ। और देखिए मैं मेरे इस वक्त मैं क्या कहूँ आपको कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये कहते हुए कि दिलीप साहब यहाँ पर कभी नौकरी किया करते थे। देखिए रश का आ रहा है मुझे देख के कि उस लेजेंड ने यहाँ नौकरी की, इस प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्मों के लिए काम किया और आज इसकी हालत ये हो चुकी है। देखिए क्या हालत हो गई है इसकी, इस तरह की चादरों से इसको कवर कर दिया गया है, कोई भी अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है चारों तरफ। देखिए सिर्फ कचरा ही कचरा। मैं चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसके बारे में कुछ सोचें जो किसी पोजीशन पे हैं। देखिए मुझे फिर एक बार आपको दिखाता हूँ, ये इसकी हालत हो चुकी है, ये इसकी हालत है और ये देखिए अंदर ये इसकी हालत हो चुकी है, कचरा तमाम चीज़ें। लेकिन इसकी शान शौकत बयां करती है इसकी इमारत, ये पत्थर, इस तरह की मेहराब और ये अक्कासी आप देखें। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है इसकी ये हालत देख के। और ये देखिए इस तरह के ख़राब सा इलाका है चारों तरफ, बहुत क्राउडेड है, फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, वर्कशॉप्स हैं और ये देखिए यहाँ पे सब पार्किंग है। और ये देखिए मैंने छुप कर वो अंदर का नज़ारा आपको दिखाया लेकिन अलाउड नहीं था वो दिखाना। और ये देखिए ये यहाँ पर छोटा सा ताला लगा दिया गया है कि इसके अंदर कुछ जा ना सके। और वो जो इमारत किसी ज़माने में अपनी शान शौकत के लिए जानी जाती थी, जिसने हमें बड़ी सारी फिल्में दी, दिलीप कुमार साहब की, अशोक कुमार साहब की और भी देवानंद साहब की, लेकिन आज उस प्रोडक्शन हाउस की, उस स्टूडियो की हालत ऐसी है। ये हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्शन हाउस था और ये पहली प्रोडक्शन कंपनी थी जिसने फिल्में बनाना शुरू किया। देवी करानी और हिमांशु राय जी जर्मनी से तकनीक सीख के आए फिल्म बनाने की और उन्होंने हिंदुस्तान में उसको इंट्रोड्यूस किया। और आज इसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर।